हमारी कोशिश है कि हमने बूंदी के छोटे छोटी तहसीलों में भी दो दो तीन तीन मशीनें पहुंचाने का प्रयास किया है और सभी लोकेशन पे वो पहुंच जाएगी और सभी का विधिवत उद्घाटन भी होगा। और शीघ्र ही कलेक्टर सीओ से मिलके, जैसा भाव ने आदेश किया है, हम शीघ्र मिलके मोबाइल वैन, स्कूल वालों से भी मिलके स्कूल वैन का प्रयास करेंगे, उनको जोड़ेंगे। भाऊ आपका आभारी हूं। भाऊ गांव की स्थिति बहुत खराब हो रही है। भाऊ मेरे गांव में रोज दो तीन चार जनों की मौत हो रही है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। हमारे साथ समस्या ये है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ भाव मालपुरा की तरफ ध्यान दो। तो हमारे पास कल ही एक मशीन जो हमारी इंस्टॉल हुई बूंदी में, उसका आया था कि 73 एक पेशेंट की ऑक्सीजन चली गई थी और उन्होंने वीडियो भेजा कि उस मशीन के माध्यम से वापस उसकी ऑक्सीजन 94 पर आ रही है। हमारे पास लाइव वीडियो हमारी मशीन का आया है। पाली से मिर्तिया जी वगैरह के सबके फोन आ गए हैं। उन्होंने मैसेज भी सर्कुलेट किए हैं कि आपने जो मशीन भेजी है वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी की है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। लोगों के ऑक्सीजन लेवल 10 से 12% से इमीडिएटली बढ़ रहे हैं। उनका पाली से अमरचंद जी बोहरा, राजू जी मिर्तिया का धन्यवाद के लिए फोन आया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाड़मेर को आपने चुना, बाड़मेर के लिए इतना बड़ा सहयोग दिया सर आपने। इसके लिए बाड़मेर की जनता आपके बहुत आभारी है। स्पेशली मेवाराम जी जैन साहब ने भी बहुत आभार व्यक्त किया है इसके लिए। और इसके लिए जो अपने मशीन स्टार्ट में दी, उसके लिए एक अलग से यूनिट चालू कर दी है। उसी समय ही मतलब सेकंड ही वो स्टार्ट कर दी थी। 20 मशीन का एक आईसीयू अलग ही शुरू किया था, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर। वो कल हमने एक पेशेंट लक्ष्मी देवी हैं जिनका 78 ऑक्सीजन लेवल चल रहा था, उनको डॉक्टर ने ऑक्सीजन के लिए बोला था कि अस्पताल में भर्ती करा दो, उनको हमने दी है। और उनका लेवल अभी सवेरे उन्होंने बताया था कि 92 से 95 के बीच में चल रहा था। वो बहुत ही धन्यवाद दे रहे हैं आप सभी को और हम सभी को कि आपने ये उपलब्ध कराई। बहुत ही इजी ऑपरेटेबल मशीन है। अब आपको बाड़मेर शहर के लिए, टोटल जिले के लिए 100 और बाड़मेर शहर के लिए 33 ये कंसीडरेशन मशीन जारी की है, जिसमें से स्पेशल मैं बताना चाहूंगा कि गर्ल्स कॉलेज को कोविड सेंटर के रूप में बना दिया गया है। 20 मशीनें हमने परसों दी थी। आज एडीएम साहब का और एमएलए साहब हमारे मेवालम जी जैन साहब का फोन आया कि आपके पास 10 जो सरप्लस है वो दे दीजिए। हमने तुरंत वो आज ही उनको पहुंचा दी है। आपके यहाँ से जो भी हमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अभी तक प्राप्त हुए थे, वो बालोतरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आसपास के 50 किलोमीटर ग्रामीण एरिया में सिंदरी, सीवाना, समदड़ी, पादरू, विभिन्न ग्रामीण अंचल में सभी सरकारी चिकित्सालय में हम लोग आज डिलीवरी दे के आए हैं। और लोकल में भी ऑक्सीजन बैंक का कल हमने लोकार्पण किया और 9 से 10 मशीन कल सुबह से लेकर आज सुबह तक होम आइसोलेशन पे जो रोगी है प्री और पोस्ट कोविड, उनके लिए सेवाएं चल रही है। अभी आज दोपहर को ही हमें आपके यहाँ से 20-25 मशीन का और पार्सल में प्राप्त हुआ है। आप सब लोग जो मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पर, मैं आपको वंदन करना चाहता हूँ कि लास्ट माइल तक आप लोग जाकर पहुंचे। ये सारी चीजें समझकर हम लोगों ने राजस्थान की डिमांड के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू।